हेलो गाइस, व्हाट्सअप। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड नहीं सॉरी सॉरी फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर पिछले मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कॉरियोलिस फोर्स के बारे में। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? कॉरियोलिस फोर्स वो फिक्टिशियस फोर्स होता है जिसमें जब कब लगता है, इस डैश फ्रेम में लगता है। और ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मतलब सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रोटेटिंग फ्रेम में होता है तब। तो ये कॉरियोलिस फोर्स हम लोग देख चुके हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड था पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, 2m, नेगेटिव ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस, ये मेरा मैग्नीट्यूड था कॉरियोलिस फोर्स का। ठीक है, जो हम इसका मतलब डेरिवेशन हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसका इफेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट पे कैसा इफेक्ट डालता है सो कॉरियोलिस फोर्स। अब सबसे पहले हम लोग को, ये मेरा अर्थ है। अब हम लोग पता है जो अर्थ हम लोग का वो टिल्ट है, ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया, ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री। ठीक है ना, 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन मतलब एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन से इतना डिग्री बना होता है एंगल, और ये 23.5 डिग्री इससे वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, कौन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हम लोग जो पृथ्वी है वो टिल्ट है ऐसा करके। ठीक है, अब ये जो हम लोग मतलब इतना मतलब ऐसा सॉल्व करने से ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्शन को कम करने के लिए हम लोग यूज़ कर इसका मतलब ये जो है, हम लोग ऑर्बिटल जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन पे हम एज्यूम करके चलना है। ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्शन कम होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब जो है ठीक है, ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल है, यहाँ पे फोर्स। अब यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे फोर्स, ये पार्टिकल है यहाँ पे, तो इस पर जो कॉरियोलिस इफेक्ट होगा कैसा होगा। सो अब ये पार्टिकल के लिए निकालना है। अब यहाँ पे देख लो, ये अलग हो जाएगा। अब ये जो लैम्डा हो गया, ये जो इसका जो एंगल हो गया वो लैम्डा लेके चलते हैं। ठीक है ना, लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे लैम्डा हो गया तो ये क्या, ये सब दोनों पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा। और ये क्या, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के लिए ये रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, और जो ओमेगा होगा, ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, हम लोग को पता है ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, राइट हैंड यहाँ पे आर हो गया, ये वेलोसिटी अंदर तो आर ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग को पता हो गया। अब ओमेगा का जो डायरेक्शन हो गया ये अपर डायरेक्शन हो गया। अब इसका कंपोनेंट होगा, ठीक ना, अब इसका कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक यहाँ पे वाई का कंपोनेंट होगा, और एक यहाँ पे जेड का कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा हो गया, लैम्डा ये क्या होगा, ये यहाँ पे भी लैम्डा हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा, फिर ये लैम्डा हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट हम लोग लिख लेते हैं, जो लैम्डा होगा, सॉरी लैम्डा नहीं, ओमेगा, ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा कंपोनेंट क्या होगा, ओमेगा कॉस लैम्डा जे का प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के का। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसका यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, जो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो उतरने, अब फिगर का हम लोग के पास अब जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब वो लास्ट में अब जरूरत होगा,
तो उसे हम लोग फिर से बना लेंगे। अब क्या करना है, अब दोनों को, अब हम लोग को पता है, अब हम लोग जो फोर्स था कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स क्या था, 2m ओमेगा क्रॉस v, ठीक है ना। तो हम लोग कॉरियोलिस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग ये करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा दोनों का, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ओमेगा क्रॉस वी का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जे के, यहाँ पे इसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस इतना हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस इतना हो जाएगा लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे वी एक्स वी वाई और ये जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे मतलब यहाँ पे अब पहले आई कैप के लिए, आई कैप को पहले कर जीरो माइनस वी वाई ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस जे, जे को बंद करने से यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स ओमेगा साइन लैम्डा प्लस के, के को बंद करने से मेरा माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा इंटू वी एक्स, ठीक है, ठीक। तो यह बस आ जाएगा सॉल्व करने से। अब इसका फर्दर मतलब सॉल्यूशन, यहां पे ये जो हो गया ओमेगा साइन ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ओमेगा साइन लैम्डा, तो यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी वाई आई कैप विद पॉजिटिव ऑफ वी एक्स जे कैप, फिर प्लस प्लस नॉट माइनस माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स के कैप, ठीक है। अब यह बस ओमेगा क्रॉस वी आ गया। अब हम लोग पता है कि यहाँ पे जो होता है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन का, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन में वहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाने से, यहाँ पे नेगेटिव लगाने से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा और ये जो हो गया यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म, ये क्या होगा, ये वेलोस, ये मेरा, अच्छा पहले देख लेते हैं यहाँ पे ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई आई माइनस वी एक्स जे, तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ए एच हॉरिजॉन्टल, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये मेरा कोरिओलिस फोर्स का, कोरिओलिस एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पे वी एक्स के कैप, ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया कोरिओलिस फोर्स का, कोरिओलिस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मेरा, निकल गया। अब फोर्स निकालना है तो क्या करना होगा, सिंपली एम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ, और हाँ इससे पहले यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये जो ओमेगा क्रॉस भी था यहाँ पे, तो मतलब और क्या था जो हम लोग फॉर्मूला जो ड्राइव किए थे वो क्या था, नेगेटिव ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस भी, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक ना, तो माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 2
टू, ठीक, ये आ गया मेरे पास कॉरियोलिस, मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये एक्चुअल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फोर्स निकालना है, तो फोर्स में क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों एम से मल्टीप्लाई करना होगा, 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया फोर्स का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट 2 एम ओमेगा कॉस लैम्डा वी एक्स ठीक है, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया हम लोगों का कोरिओलिस फोर्स का। अब इसमें जो है अब पिछला मतलब वहां पे क्वेश्चन क्या था, जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 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 था कि प्रूफ करना था ये जो वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है वी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो वी वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, कंपोनेंट इसका ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म मेरा जीरो हो गया। तो ये टर्म जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जब एक्स डायरेक्शन मीन्स आई कैप पे, ये जब आई कैप पे चल रहा था तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन लग रहा था, जे कैप पे लग रहा था, तो उसका जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो जो पिछला लेक्चर था उसका आंसर यहाँ से मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया जब, कब, जब फोर्स जब एक डायरेक्शन में लगा तो वो जो वेलोसिटी था वो दूसरा डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे का क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो वो उसका आंसर यहाँ से हम लोग को मिल गया। ये मेरे पास फोर्स का कॉम्पोनेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के एक न्यूमेरिकल 2000 2018 शायद 2018 2003 में पूछा था एक न्यूमेरिकल यूपीएससी, ठीक है। ये हो गया, एक क्वेश्चन था, एक एस फ्रेम दिया हुआ है ना, 2003 में पूछा हुआ था, 2003 में एस फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है ना, एस फ्रेम दिया हुआ है जिसमें ओमेगा का वैल्यू 2t आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 4 पी कैप, ये चीज दिया हुआ है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लोग को दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप माइनस 6t जे कैप प्लस 4t³ के कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास दिया हुआ पूछ रहा है फाइंड कोरियोलिस एक्सीलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये चीज पूछ रहा है कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब सबसे पहले क्या करना है, कॉरियोलिस एक्सेलेरेशन का पहले डेफिनेशन लिख देना कि ये जो कैसा कैसा हो गया, फिक्टिशियस एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है ना, फिक्टिशियस एक्सेलेरेशन हो गया। ये ऑब्जेक्ट पे लगता है कब, जब ऑब्जेक्ट के कैसा रोटेटिंग फ्रेम पे हो, ठीक ना। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करना है कब, टी इक्वल्स टू 1 पे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, वैल्यू रख देना होगा टी इक्वल्स टू 1 का, यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 का वैल्यू रख देना होगा। सबसे पहले टी इक्वल्स टू 1 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे
टू प्लस ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2i कैप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 रखने पे, t=1 रखने पे। अब मेरे को बी यहाँ पे ओमेगा और क्रॉस बी, अब हम लोग पता है बी इक्वल्स क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, सॉरी आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे ये सब दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देने से, यहाँ पे आर क्रॉस ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट कर देने से आई जे के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देने से आर 2 - 6 4, यहाँ पे 2 - 1 6, ठीक है, तो ये वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -36 + 4 जी, सिक्स 4 2 8 - 12, फिर यहाँ प्लस k कैप -2 + 12, ठीक है। अब अब 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -32 i कैप प्लस यहाँ पे प्लस ना माइनस ना 4 j कैप प्लस 10 k कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इससे मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब हम लोग को पता है ओमेगा क्रॉस ये हम लोग क्या देते हैं एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन देते हैं नेगेटिव साइन लगा देने से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने से आई जे और के, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ठीक है। अब जो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ था वैसा ही सॉल्व यहाँ पे कर देना, यहाँ पे वी का जो वैल्यू आया था 32 32 -4 और यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 1 मिनट, हाँ ओमेगा का वैल्यू आया था 2 - 1 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देने से हम लोग को वो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कोरिओलिस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्या होगा, सो सॉल्व सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था इसी के बेसिस पे, एक और क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट
हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल कॉरियोलिस फोर्स, ठीक ना, कॉरियोलिस फोर्स, और जिसका मास दिया हुआ है ना एक बॉडी का, एक किस पे बॉडी पे निकालना है, बॉडी पे निकालना है जिसमें जो मास दिया हुआ था 0.1 kg, और ये जो है वो किधर, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, मीन्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है, मीन्स जे कैप पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vx, Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना, और Vy नॉट इक्वल टू 0 विथ हॉरिजॉन्टल। अब ये जो मूव कर रहा है, ठीक ना, ये जो मूव कर रहा है ये नॉर्थवर्ड, अब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी यहाँ पे भी ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 m/s एट 30 degree नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, अब हम लोग पता है एफ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप, ठीक है, अब ये क्रॉस हटा देने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीन्स जो वी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और जब मान के चलो ये वी एक्स का, ये वी एक्स में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो वी वाई का कॉम्पोनेंट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देने से -2, अब जो इसका हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा, और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय 1 दिन का प्लस इंटू इतना, ये सेकेंड का आ जाएगा, ठीक ना, और ये क्या एंगुलर स्पीड हो गया, एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, ये मतलब 2 पाई बाय इतना हो जाएगा अर्थ का, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर -100 100 जे का, और ये दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री पे ना, 30 डिग्री नॉर्थ, तो sin 30 कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दिया हुआ था क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ था और वेलोसिटी कंपोनेंट इतना में था, तो फोर्स कौन सा कंपोनेंट में लेगा, वाई डायरेक्शन में लिया, ठीक ना, तो मीन्स ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा था, वाई डायरेक्शन में, अब वाई डायरेक्शन मतलब सॉरी वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप में, ठीक ना, जे कैप में प्लस जे में मूव कर रहा था, ठीक ना, नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, नॉर्थवर्ड ही डायरेक्शन लगना चाहिए, जहाँ से हम लोगों ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जे कैप। अब ये सब को सॉल्व कर, ये सब सॉल्व करके फिर आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक ना, तो ये जो लेक्चर हम लोग का विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर क्या था, फ्री फॉल, ये सब फ्री फॉल होगा, ठीक है ना, फ्री फॉल या और कुछ होगा वो देखना होगा, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।